ने जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। एनडीए के सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। एनडीए के सांसदों को दिल्ली बुलाने के लिए खास तौर पर ये मौका है। और अब प्रधानमंत्री शाम को पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर। कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जब जेपी नड्डा के घर पहुंच रहे थे राजनाथ सिंह, साथ ही अमित शाह। और आज बीजेपी के लिए खास मौका तो है, जश्न की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। एनडीए के सांसदों को अब दिल्ली बुलाया गया है। देखो, हरी झंडी बिल्कुल दे दी गई है, बुला लिया जाए, कार्यकर्ताओं को न्योता दे दिया जाए, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर। रुद्र साहब, जश्न की तैयारी और ये पूरी तैयारी जो है ये बता रही है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयुक्त से मिले। देखिए, मुझे लगता है कि अब जो है वाकई हाँ। में जो सांसदों की पूछ होनी चाहिए या फिर गठबंधन हाँ। के लोगों की जो पूछ होनी चाहिए हाँ। वाकई में अब जो है अब उनकी पूछ शुरू होगी, जैसे कि खबरें आ रही थी कि टीडीपी के नेता से बात हुई। रुद्र जी, बड़ी बात कह गए, अब पूछ शुरू होगी जिसमें अब जो आप कह रहे हैं उसका वजन बहुत ज्यादा अब यहाँ पर क्योंकि नजर आ क्योंकि रहा है। इससे पहले जो सांसदों की जो मतलब एक तरीके से मैं कहूँ उनकी जो वैल्यू थी हाँ, सांसदों की वैल्यू थी, इसी वैल्यू की जो आप बात कर रहे हैं तो वैल्यू के साथ हमारे साथ सांसद ने पुरानी सांसद और फिर नई वाली सांसद मतलब वही है। संध्या जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भिंड की तस्वीर देखिए, एक बड़ा मुकाबला भिंड में था और कैसे संध्या जी देखती हैं मुकाबला, कैसा, कितना चुनौतीपूर्ण, क्या संध्या जी आपको नजर आया? और जीत की आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन श्रेय किसको? तो संध्या जी की आवाज सही नहीं पहुंच पा रही है। और इस बीच आप देखिए, ये एक बड़ी खबर है, शाम 5 बजे कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं जी, संध्या जी कुछ कह रही हैं। जी, संध्या जी, कितना कड़ा मुकाबला था, कितना कड़ा मुकाबला था। सामने प्रत्याशी कांग्रेस के थे, फिर भी जीत दर्ज कर ली, क्या आपको लगा ये टफ मुकाबला था या फिर आसान थी आपके लिए जीत, क्योंकि गढ़ तो है ही आपका? नहीं, ये भाजपा का गढ़ है निश्चित तौर पर, लेकिन कार्यकर्ताओं की और जनता की मेहनत का और जिस तरह मुझे क्षेत्र की जनता का इसमें मिला, मैं समझती हूँ मुझे तो कहीं ऐसा कठिन नहीं लगा। और माननीय मेरी सभी जनता जनार्दन को हृदय से आभार धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने पुनः मुझे आशीर्वाद दिया है और अपनी सेवा का अवसर दिया है। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनके नेतृत्व में जिस तरह जो संकल्प है कि हमें भारत बनाना है और सभी वर्गों के लिए, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, चाहे हमारा युवा हो, चाहे हमारा गरीब वर्ग हो, चाहे हमारा दिल्ली से बुलावा आ गया क्या? फोन आया क्या? अभी खबर आई है एनडीए के सांसदों को दिल्ली बुला लिया गया, आपके पास जानकारी है? फोन आया क्या? सहयोग बने, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और निश्चित तौर पर जो मेरे काम मैंने जो स्वीकृत कराए थे लोकसभा के अंदर, उनको मैं आने वाले समय में उन्हें पूरे कराने का भरपूर प्रयास करूंगी। ठीक है, और दिल्ली से एक बार मेरे क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से फोन आया क्या? दिल्ली से फोन आ गया क्या? पार्टी दफ्तर से फोन आया क्या? बुलावा आ गया क्या आपको? और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है, धन्यवाद। भैया, आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एनडीए के सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम को प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को बुलावा भेज दिया गया। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे चल।